आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। जम्मू कश्मीर में पुलिस को बड़ी सफलता, लश्कर के खूंखार आतंकी सलीम पर्रे को किया ढेर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, उनकी पत्नी, बेटी और बहू हुए हैं कोरोना संक्रमित। राकेश टिकैत ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च का किया ऐलान, बोले किसानों का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली में कोरोना के 80% से ज्यादा केस, ओमिक्रॉन वेरिएंट के केजरीवाल सरकार का बड़ा दावा। कल मुरादाबाद में रैली को संबोधित करेंगे अज़दुद्दीन ओवैसी। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। रुड़की के ढंडेरा में सम्मान समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे, जहां पर सैनिकों के साथ आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। ढंडेरा स्थित उदय सिंह पुडीर के निवास पर सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सैनिकों के साथ साथ आशा बहुएं भी शामिल हुई थी। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों को भी सम्मानित किया गया। आज ये हमारा कार्यक्रम, संगठन का कार्यक्रम था। हमारे संगठन के लोग जो है पूरे गांवों से आए हुए थे, उनको जो है अगली रणनीति किस तरह हम बनाए चुनाव लड़ने की, इस बारे में जो है मैं विचार कर रहा हूँ। अब के हमारा बहुजन समाज कोई तितर बितर नहीं है, सब अब एक जगह है, एकजुट होकर हम इलेक्शन लड़ेंगे और एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने का काम। अगली खबर टिहरी से है, जहां पर संकल्प यात्रा को लेकर भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष विनोद रतूड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ने 2017 में किए वादों को पूरा किया है। भाजपा ने ही डोबरा चांदी पुल का निर्माण कराया है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में विजय संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में 4 जनवरी को टिहरी पहुंचने वाली है विजय संकल्प यात्रा। पार्टी के उत्तराखंड के अंदर विजय संकल्प यात्रा चल रही है, और वो जो विजय संकल्प यात्रा है, वो हम अपने संकल्प पत्र जो हमने 2017 में जनता के बीच रखा था, मैं बड़े गर्व के साथ, बड़े प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 का मैनिफेस्टो को पूरा किया है। उसी विषय को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं कि हमने जनता से किया है वादा पूरा किया है। कल हमारे जनपद में विजय संकल्प यात्रा आ रही है। पहले 11 बजे सुबह खोली में हमारी विजय संकल्प यात्रा पहुंचेगी, शाम को 3 बजे हमारी लमगांव प्रतापनगर विधानसभा में विशाल जनसभा है। उसके बाद जो हमारे अतिथिगण आएंगे, अजय टमटा। अगली खबर रुड़की से है, जहां पर भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा के कार्यालय पर महिला महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कई महिलाओं ने भाग लिया। इस महासम्मेलन कार्यक्रम में दर्जनों महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रदीप बत्रा ने कहा कि कार्यक्रम में भोजन माताओं और जिन महिलाओं ने कोरोना काल के समय काम किया है, ऐसी सभी महिलाओं को सम्मानित किया गया है। वहीं इस कार्यक्रम में महानगर संयोजिका पूजा आनंदा ने कहा कि महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। इस कार्यक्रम में उन महिलाओं को सम्मानित किया गया है जिन्होंने कोरोना काल के दौरान, चाहे मास्क बनाना हो या फिर नर्स हो, सभी महिलाओं को सम्मानित किया गया। भारी संख्या में यहाँ पर महिलाएं हमारे बीच में आई हैं और सभी का सम्मान सर्वोपरि है, क्योंकि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि जहाँ महिलाओं को सम्मान कर अपने आप देश के लिए बड़ी बहना है। ऐसी मेरी माताओं बहनों का सम्मान किया गया, क्योंकि असली मेरी बहनें ने पूरे तब किए जिन्होंने पूरे कोरोना काल में काम किया, चाहे मास्क बनाने का हो, चाहे नर्स हो, चाहे चिकित्सक का काम किया हो। ऐसी मेरी माताओं बहनों का सम्मान यहाँ पर किया गया। सम्मानित करा हमने, जो कोरोना में काम किया, भोजन माताओं को, टीचर को, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई महिलाएं यहाँ पर आई, बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति यहाँ पर दी। देशभक्ति से ओतप्रोत होकर बच्चे जो है कार्यक्रम कर रहे हैं और सभी देश से प्यार करते हैं और राष्ट्रहित में सभी संकल्प लेना चाहते हैं कि हमारे लिए देश सर्वोपरि है और देश की जो
विकल्प रास्ता है, उनको हमें सबक सिखाना है, एकजुट होकर हमें आगे। वहीं रुड़की में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी भी अब बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में जुट गई है, जिसके चलते विधानसभा कलियर के ग्रीन पार्क कॉलोनी में कांग्रेस पार्टी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत ने शिरकत की। इस दौरान वीरेंद्र रावत ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि केंद्र सरकार की बदौलत आज आम आदमी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, महंगाई ने उनकी कमर तोड़कर रख दी है और गरीब आदमी का जीना भी दूभर हो चुका है। ऐसा समस्या तो यहाँ पर बहुत थी, जब से मैं विधायक बना यहाँ पर लाइट नहीं थी, यहाँ पर कोई रोड नहीं था। आज आप किसी गली में चले जाओ, यहाँ रोड बनना, जो एक हमारा बाईपास मंजूर हुआ राम मंडी से प्राण के लिए, उस पर काम जारी है। एक नाले की यहाँ समस्या है, नाले के क्योंकि जमीन एक्वायर करानी पड़ेगी और इंशाल्लाह अगली बार एक यही काम ऐसा बचा तो अगली बार यहाँ पर नाला जरूर बनेगा। वहीं चमोली में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कर्णप्रयाग और गोचर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों से जनता तंग आ चुकी है, जिसका खामियाजा भाजपा सरकार को 2022 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। आज मुख्यालयों में, जिला मुख्यालयों में, नगर मुख्यालयों में जो है बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जो जीएसटी के दामों में इन्होंने अप्रत्याशित वृद्धि की है, उसके खिलाफ आज प्रदेश सरकार का पुतला दहन यहाँ पर गया। हमारे नगर कांग्रेस कमेटी गौचर, नगर कांग्रेस कमेटी कर्णप्रयाग और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कर्णप्रयाग के संयुक्त तत्वाधान में, तो पहले गौचर में हम लोगों ने विरोध किया प्रदर्शन, आज अभी ब्लॉक मुख्यालय यहाँ पर नगर कांग्रेस कमेटी कर्णप्रयाग और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कर्णप्रयाग के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर आज पुतला दहन किया गया। और इस पुतला दहन के माध्यम से हम प्रदेश सरकार को चेताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से महंगाई की, बेरोजगारी की और तमाम भ्रष्टाचार की और जो जीएसटी में बहुत भारी वृद्धि इन्होंने की है, उससे आम आदमी कमर टूट गई है। वहीं कालाडूंगी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 10 और 12वीं के छात्राओं को मोबाइल टैबलेट बांटे गए हैं। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने शिरकत की। टैबलेट वितरण कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने कहा कि निःशुल्क टैबलेट वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने 1 जनवरी को किया था, उसी की तर्ज पर प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में बालक और बालिकाओं को निःशुल्क टैबलेट का वितरण किया जा रहा है। दसवीं और बारहवीं के छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा निशुल्क टैबलेट देने के कार्यक्रम का उद्घाटन 1 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने देहरादून में किया और सभी विद्यालयों में भी उस दिन कार्यक्रम हुआ। यहाँ से मेरे को भी यहाँ आना था लेकिन उस दिन कार्य व्यस्तता के कारण यहाँ कार्यक्रम नहीं हो पाया था, अभी बहुत सी जगह और जगह भी नहीं हो पाया है। तो आज यहाँ पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कालाडूंगी में हमारे खंड शिक्षा अधिकारी भास्करानंद पांडे जी हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, प्रबंधक हैं और सभी लोग हैं, इनके बीच में यहाँ के इंटर और हाई स्कूल के बच्चों को निःशुल्क जो टैबलेट दी जा रही है वो बांटे गए हैं। निश्चित रूप से इससे बच्चों के भविष्य में अच्छा असर पड़ेगा, बच्चे अच्छे पढ़ेंगे। खबर रुड़की से है, जहां पर मंगलौर विधानसभा के बसपा प्रत्याशी सरवत करीम अंसारी ने कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए चुनावों की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान बसपा प्रत्याशी ने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर पार्टी के पक्ष में काम करने का आह्वान किया। आगे सरवत अंसारी ने कहा कि मौजूदा विधायक काजी निजामुद्दीन ने मुस्लिमों और दलितों को ठगने का काम किया है और अब वक्त आ गया है कि सभी को एकजुट होकर बसपा की सरकार बनाने का काम करना चाहिए। आज ये हमारा कार्यक्रम संगठन का कार्यक्रम था, हमारे संगठन के लोग जो है पूरे गांवों में से आए हुए थे, उनको जो है अगली रणनीति किस तरह हम बनाए चुनाव लड़ने की, इस बारे में जो है मैं विचार कर रहा हूँ। अब के हमारा बहुजन समाज कोई तितर बितर नहीं है, सब अब एक जगह है, एकजुट होकर हम इलेक्शन लड़ेंगे और एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने। वहीं सितारगंज के गुरु नानक सर्विस स्टेशन पर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ अज्ञात लोगों ने मारपीट की, जिसके बाद पुलिस ने उल्टा पंप कर्मियों के ऊपर ही रिपोर्ट दर्ज कर दी, जिसके विरोध में सितारगंज के सभी पेट्रोल पंप बंद रहे और पेट्रोल पंप डीलरों ने गुरु नानक पेट्रोल पंप पर सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान रिफिलिंग एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा कि कई बार प्रशासन को लिखित ज्ञापन देने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, जिसमें पंप का कार्य कर रहे कर्मचारी काफी डरे हुए हैं।
कुछ नहीं है, जो खंड हुआ है यहाँ पर उसको विजित है 14 तारीख को, जो यहाँ पर वारदात हुई है उस संबंध में हम कई बार कप्तान साहब से मिले, प्रशासन के एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया, और जब हमें कोई हमें किसी तरीके से किसी प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिला है तो यहाँ पर मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, लगातार सिद्धार्थगंज के डीलर से मेरे टच में थे, ये बेचारे बड़े परेशान थे, यहाँ का स्टाफ बहुत डरा हुआ था, और चूंकि ये पूरी एसोसिएशन है हमारी जिला लेवल की एंड स्टेट लेवल की फिर इंडिया लेवल, और मैं ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, तो जिस तरह से यहाँ पर ये लोग परेशान थे, स्टाफ जिस तरह से डरा हुआ था कि साहब अगर इस तरह से माहौल रहेगा तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, तब मैंने यहाँ इंटरफेयर करा और इन लोगों ने आज ये सांकेतिक हड़ताल करी है, ताकि इस तरह को ध्यान में रखते हुए जनता को दिक्कत ना हो, इस वजह से लोग 1 बजे तक का बंद का आज आह्वान कर रहा है। और उनके लिए हम यहाँ पर आए हुए थे, जहाँ पर पता चला है कि यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कुछ दिन पहले हुई थी, जिसकी सूचना एसडीएम महोदय द्वारा दी गई है, और उनके द्वारा जो ज्ञापन हमें दिया गया है जिलाधिकारी महोदय को अपने माध्यम से कोशिश रहेगी जो भी इनकी समस्याएं हैं वो जल्दी से जल्दी सुलझ जाएं और इस तरीके की कोई सिचुएशन आगे ना आए। वहीं चमोली के थराली विधानसभा में ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए चुनावों के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। पैठाणी गांव में हुए बैठक में ग्राम प्रधान मृत्युंजय परिहार और क्षेत्र पंचायत सदस्य समेत कांडा और ग्वाड़ के ग्रामीण जो थे वो मौजूद रहे हैं। बैठक में ग्रामीणों ने कहा कि सालों पहले नारायण बगड़ परखाल चौपता मोटरमार्ग से पैठाणी गांव के लिए मोटरमार्ग स्वीकृत किया गया था, जो आज तक सड़क वहां पर नहीं बन पाई है। इस अवसर पर महिलाओं ने कहा कि सड़क नहीं होने के कारण बीमार लोगों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी हालत में उनके पास चुनाव का बहिष्कार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। महिलाएं ऊपर से पूरी तो दिक्कत हो रही है, बुजुर्ग जा नहीं पा रहे हैं, ये जबकि मेन रोड से ये 2 किलोमीटर है, मेन रोड होने के बाद भी हम जब लोग परेशानी में जूझ रहे हैं, इसलिए हम रोड नहीं तो वोट नहीं, जब रोड आएगी हमारे तभी वोट देंगे, नहीं तो हम प्रशासन किसी भी नेता हमारे गांव में आने की कोशिश मत करना, इसलिए हम बहुत परेशान हैं, हमारे गांव में रोड नहीं तो वोट नहीं। सर्वप्रथम तो समस्त उत्तराखंड देशवासियों को मेरी ओर से नए वर्ष की शुभकामनाएं, और आज हमें ये इतना मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ रहा है कि जो पुल और रोड नहीं तो वोट नहीं। पिछले 20-25 साल से जो ये परखाल मोटर मार्ग बना है उससे जो लिंक रोड बनी थी, सबसे पहले पैठानी रोड की सर्वे हुई थी, साथ की सारी रोडें बन चुकी हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक बीच में टेंडर भी हो गया, उसके बावजूद उन्होंने कहा पर्यावरण स्वीकृति नहीं है, पर्यावरण स्वीकृति ना होने के कारण 1 किलोमीटर की नहीं थी, और उसके कारण इतना लंबित हो गया मामला, ऑफिस में फाइलें हमारे प्रतिनिधि वर्तमान प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी और सारे प्रतिनिधि लोग ऑफिसों के चक्कर काट काट के परेशान हो गए हैं। सरकार का और प्रशासन का जो रवैया ठीक नहीं है, और मुझे विवश होने पड़ा और मैंने अपने खून से लेटर लिखा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने सिर्फ आश्वासन जो लिखित रूप से दिया उसके सिवा कुछ नहीं दिया। आज हम भूखभक्त हैं, वर्तमान में 2022 का चुनाव आ रहे हैं, मेरी जनता और हम तीन जो विधानसभा का जो बूथ है पैठानी बूथ, जिसमें कांडा ग्वाड़ और पैठानी है, हम तीनों गांव मिलकर चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं 2022 का। वहीं अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां पर कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए 15 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर भारत मंदिर इंटर कॉलेज के मैदान में 1250 छात्रों को वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। वैक्सीन लगाने को लेकर छात्रों में भारी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान कॉलेज के प्रिंसिपल गोविंद सिंह रावत ने छात्रों के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू करने का सरकार का आभार जताया। जो भी यहाँ पर व्यवस्थाएं थी, लगातार 3 दिन से हम व्यवस्थाओं कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार निरंतर यहाँ पर निगरानी बनाए हुए हैं, नजर रखे हुए हैं, और 1250 विद्यार्थियों के हाल आज हो रहा है, और आज जो है छुट्टी होने के बाद शीतकालीन अवकाश होने के बावजूद भी 15 से 18 साल के जो हमारे विद्यार्थी हैं उनमें बड़ा उत्साह है, और आप देख ही रहे हैं कितनी संख्या में हमारे छात्र छात्राएं यहाँ पर आई हुई हैं, उन्हें बड़ा उत्साह है, इसके लिए सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भाई ये जो वैक्सीनेशन है ये बेहद प्रोग्राम है और ये आज ही से शुरुआत है ऑल ओवर इंडिया, और यहाँ पे जो प्लानिंग की गई है 1200 बच्चों को वैक्सीनेशन आज होना है 15 से 18 से बीच के,
जो 1200 बच्चे हैं उन सबका वैक्सीनेशन हो रहा है, तैयारी पूरी चल रही है, वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। ये अभी तक जो योजना है वो स्कूल वाइज ही है, जैसे आज यहाँ पे होगा, कल किसी और स्कूल में होगा, परसों किसी, इस तरीके से तभी कवर किया जा सकता है इसका प्रोग्राम। वहीं टिहरी में भी कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए 15 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगनी चालू हो चुकी है और वैक्सीनेशन से पहले दिन बौराड़ी जिला अस्पताल में 150 बच्चों को वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र वैक्सीन लगवाने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे और वैक्सीनेशन को लेकर CMS अमित राय ने बताया कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है, जैसे उच्च अधिकारी निर्देशित करेंगे तो स्कूल में जाकर भी वैक्सीनेशन किया जाएगा। जो हमारे पास प्रस्तावित था एक जो टिहरी में भी हमारा जो प्रताप इंटर कॉलेज है वो गर्ल्स इंटर कॉलेज GGIC के लिए था, इसमें करीब करीब हम लोग 150 बच्चे वो कर रहे थे, मतलब कवर कर रहे थे, और लेकिन अदर स्कूलों के भी बच्चे आ रहे हैं जिसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ आ रहे हैं तो हम उनको भी वैक्सीनेशन कर रहे हैं। अभी तक हमारा 127 बच्चों का वैक्सीनेशन हो रखा है और उनको ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद 30 मिनट के बाद हमको घर जाने दें। अभी तक कोई ऐसी चीज़ें देखी नहीं गई कि कोई रिएक्शन या ऐसी चीज़ें नहीं देखी गई, और आगे का जो शेड्यूल हमारा प्रस्तावित होगा उच्च अधिकारी CMO सर जो भी बताएंगे, अगर स्कूलों में जाके भी लगवाना होगा तो वहाँ भी हम जाएंगे। ऋषिकेश में श्री दर्शन महाविद्यालय में संस्कृत सेवा समिति ने सुंदर कांड पाठ और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करके शिक्षाविद स्वर्गीय गिरिधर प्रसाद सिलोडी को 19वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कार्यक्रम की शुरुआत मंत्रोच्चारण के साथ की गई थी। इस दौरान महाविद्यालय के प्रबंधक संजय शास्त्री ने कहा कि गिरिधर प्रसाद सिलोडी का जीवन त्याग और तपस्या का जीवन था, उन्होंने हजारों बच्चों को शिक्षा भी दी। वहीं रानीपुर के कोतवाली क्षेत्र में SP स्वतंत्र कुमार सिंह ने बाइक चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्त अंकित को चोरी की बाइक के साथ फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने अलग अलग क्षेत्रों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और इन चोरी की मोटरसाइकिलों को वो अमरोहा के कबाड़ी में जाकर बेचकर अपने नशे की लत को पूरा किया करता था। अंकित सैनी पकड़ा गया जो अमरोहा का रहने वाला है, हसनपुर थाने का रहने वाला है, उसको सेक्टर 4 पीठ बाजार से रंगे हाथ पकड़ा गया था एक बाइक चोरी करते हुए, और पूछताछ के दौरान उसकी निशानदेही पे अब तक 9 बाइक बरामद हो चुकी हैं और उसको अभी आज पेश किया जाएगा। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।